गुड मॉर्निंग गाइस, आज की डेट है 15 अगस्त और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी टाइम हो रहा है करीबन 7 बजने को ही है। और अभी हम यहाँ से अपने घर से दूर, भावनगर से दूर अभी करीबन 60 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी हमें यहाँ से जाना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो करीबन 250 किलोमीटर दूर है। तो पहले हमें यहाँ से जाना पड़ेगा वडोदरा और वहाँ से हमारा कुछ दोस्त आ रहे हैं तो वो भी साथ में ज्वाइन हो रहे हैं और वहाँ से हम निकल जाएंगे डायरेक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो गाइज अभी हम यहाँ पे पीपड़ी चौक पे पहुँच चुके हैं और अभी हम इसे राइट लेफ्ट में लेते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अहमदाबाद पहुँच जाएंगे, बट हमें यहाँ से जाना है वडोदरा। सो हम लगे यहाँ से राइट, देखो गाइज यहाँ पे, इसलिए मैं आपको हर बार बोलता रहता हूँ ट्रक वाले का ऐसा भरोसा ही नहीं, राइट में घुसा देगा या लेफ्ट में, ब्रेक तो मारनी ही नहीं है। हम यहाँ से जा रहे हैं डायरेक्ट वडोदरा, ये हाईवे डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा देता है। वडोदरा पहुँचना है तो मुझे यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर है जो कि मुझे यहाँ से थोड़ी सी तेज़ी के साथ बट फुल्ली सेफ्टी के साथ यहाँ से काटना पड़ेगा। ये वाले रोड में जो एक प्रॉब्लम रहती है ना इस ये वाले हाईवे में, ये वाले छोटे छोटे खड्डे हैं यहाँ पे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी आरसी में इतना अच्छा सा सस्पेंशन दिया गया है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से छोटे छोटे खड्डे यूं ही चले जाते हैं। बट यहाँ जो मेन बात रहती है वो सेफ्टी की, प्लस जब भी ओवरटेक करते हो तो ध्यान रखो गाइस। अगर हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे गाइस देखे तो यहाँ पे दोनों की तरफ हरा भरा आपको देखने को मिल जाएगा बारिश की वजह से। ये मुझे ट्रक वालों की बहुत ही गंदी चीज़ लगती है ओवरटेकिंग, बहुत ही बैडली तरीके से ओवरटेकिंग करते हैं। तो और इस तरह एकदम से ठंडी हवा आ रही है और मैं इस जगह पे पहली बार आ रहा हूँ और वडोदरा मैं पहली बार जा रहा हूँ यहाँ से। गाइस आप यहाँ के हाईवेज देख सकते हो और प्लस आजू बाजू के आप प्लेस देखते हो तो मतलब अमेजिंग है। और हाईवे की तो बात ही मत पूछो, यहाँ एक नंबर हाईवे है और यही हाईवे में हमारी RC390 एक नंबर पावरफुल। भाई लोग जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ के हाईवे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। 140, 145, हाईवे तो अच्छे, प्लस यहाँ का कॉर्नरिंग देखो गाइस, वाह क्या बात है, ऐसा कॉर्नरिंग मैंने अभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम कॉर्नरिंग, थोड़े ज्यादा टर्न लेके हुए। खतरनाक है, पावरफुल कॉर्नरिंग है यहाँ पे, रोड ही खतरनाक ऐसे बनाए गए ना, मेरा तो दिल ही खुश हो गया यहाँ पे आके। तो कैसे आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों पहाड़ को खोद के बीच में से रोड निकल आया और लुक एट द व्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पहाड़ ही पहाड़ है सामने, यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट तक यहाँ तक जाता है। गाइस यहाँ से 14 किलोमीटर ही है सिर्फ यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके
भाई जो भी यहाँ हुए फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए क्या अमेजिंग जगह है, लुक एट दिस। गाइस तो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी से हम वापस आ रहे थे भावनगर, और बीच में ही स्टार्ट हो गई थी बारिश, तो उसकी वजह से कुछ भी शूट नहीं हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 11:30 तो बज चुके हैं, और यहाँ पे आप देख लो करीबन 2200 किलोमीटर पूरे भी होने वाले थे। तो हम यहाँ पे अपना वीडियो क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।